हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज, और देखेंगे आज क्रूड ऑयल क्या होने वाला है उसका ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल मैंने थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम लिया, ये डेली का पिवट पॉइंट एंड 1 आवर का। तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट 3754, फर्स्ट सपोर्ट 3700, सेकेंड सपोर्ट 3642 एंड द थर्ड सपोर्ट 3588, फर्स्ट रेजिस्टेंट 3812, सेकेंड रेजिस्टेंट 3866, थर्ड रेजिस्टेंट 3924। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल लास्ट डेली चार्ट लिया मैंने, लास्ट फ्यू डेज में ये प्राइस टोटली चाइड वे में है। तो इसको आप चौपी मार्केट भी बोल सकते हैं। तो उसमें एक रेंज में चल रहा है, जैसे 3871 एक रेंज है, तो ये रेंज में चल रहा है एंड आप देख सकते हैं ये रेंज में मार्केट चल रहा है। तो ज़्यादा आपको ट्रेडिंग करना है तो ये रेंज में ही ट्रेडिंग करना चाहिए रहेगा, मेरे को मुझे लगता है। तो अगर आप 4 आवर में देखें तो 4 आवर में देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट टोटली डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में है लेकिन क्लियरली डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। लेकिन प्राइस प्रॉब्लम क्या है इसमें, आप 4 आवर में तो मार्केट साइडवे है, साइडवे अगर मार्केट जब साइडवे रहता है तो आपको रेंज निकाल लेना चाहिए। एक जैसे मैंने एक रेंज निकाला, तो साइडवे में क्या होता है, एक रेंज की आसपास में ऐसा घूमता रहता है मार्केट, राइट? कभी हायर कभी लोअर, लो अप बनाता है। तो इसलिए आपको जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, कभी लोअर ब्रेकआउट किया, लोअर लो बनाया, फिर से ऊपर निकल गया, तो एक रेंज ऐसे ही एक रेंज में, तो इसलिए आपको एक रेंज निकालना चाहिए। तो इसलिए मैंने एक रेंज आपको निकाल दिया, तो जैसे जैसे 3871 और 3452, तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का एक रेंज में मार्केट चल रहा है। तो अगर ये 400 पॉइंट का बीच में आप कैसे ट्रेड करेंगे, तो उसको मैं दिखाएंगे आपको। तो उसका बाद आइए आप 30 मिनट में, तो 30 मिनट में आपको दिखाएंगे, और 1 आवर में भी देख सकते हैं, ये ज़्यादा ये नहीं है। तो 1 आवर 30 मिनट में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, तो मूविंग एवरेज यहाँ पे कोई क्लियर नहीं है, अभी आप इसमें कोई ट्रेंड नहीं है। तो मूविंग एवरेज क्या होता है, क्रॉस होता है इच आदर, राइट? तो इसका कोई क्लियर नहीं होता है मूविंग एवरेज। तो इसमें आपको क्या होता है, ये कब होता है, जब मूविंग एवरेज इसे घूमता रहता है, क्रॉस इच्छा आधार होता रहता है, कभी ऊपर नीचे क्रॉस करता रहता है। तो इसलिए ये मार्केट एक रेंज ट्रेडिंग में होता है। तो रेंज ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की है, लेकिन रेंज ट्रेडिंग भी कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेंज निकालना पड़ता है। जैसे मैंने रेंज एक निकाल दिया, ठीक है आपको। तो अभी आइए आप हम ट्रेड करेंगे 15 मिनट में, जैसे ये 15 मिनट। तो 15 मिनट में हमें क्या मिला, 15 मिनट में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो देख सकते हैं 15 मिनट में हमें एक रेंज में मिला, और ये रेंज में मार्केट जा रहा है। तो रेंज के लिए आपको एक कनेक्टेड कुछ लाइन, जैसे डायगोनल लाइन निकाल लेना चाहिए, जैसे ये डायगोनल लाइन है, मैंने जितना हो सके हायर पॉइंट कनेक्ट करके उसको एक ड्रॉ करना चाहा, ड्रॉ कर दिया मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कितना ज़्यादा से ज़्यादा टसेस एरिया को लिया, दो टस, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे हुआ था फिफ्थ, सिक्स टस। तो मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग क्या मिल गया हमें, सपोर्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर का क्या होता है, देखेंगे ये लोअर पॉइंट, लोअर लो बना रहा है, हाई बनाया, उसका बाद ये लोअर लो बनाएगा, ठीक है। तो इसको जब ब्रेकआउट करना, ब्रेकआउट कर लेता है, तो यहाँ पे आदमी सेल एंट्री ले लेता है, राइट? तो यहाँ पे अगर सेल एंट्री लेता है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक क्या है, एक रेंज मार्केट में घूम रहा है, राइट? तो रेंज में मार्केट में क्या होता है, तो जब सपोर्टिंग रेंज आता है, फिर से आके यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए आपको ट्रेडिंग करना है। तो ये एरिया जब आएंगे, तो इसको बोलते हैं सपोर्टिंग लाइन बाउंस बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो सपोर्टिंग लाइन बाउंस बैक स्ट्रेटेजी क्या होता है, सपोज ये सपोर्टिंग लाइन है, ठीक है, तो मार्केट ऊपर से आ रहा है, तो जब यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, सेल
ऑर्डर लिमिट बाय ऑर्डर लिमिट करके रखता है, तो जब यहाँ पे पॉइंट में आएंगे वो ऑटोमेटिकली बाय ले लेगा। और इसका थोड़ा नीचे में, जैसे यहाँ पे हमने सेल लिया तो प्रीवियसली ये हायर पॉइंट था, इसका नीचे यहाँ पे हमने एसएल लगा दिया, राइट। तो नीचे में एसएल लगा देंगे और ऊपर में जो हायर पॉइंट था, जैसे यहाँ पे हायर पॉइंट था, यहाँ पे टारगेट सेट करेंगे। तो ये 1:3 या 1:3 to 1:4 तक मिल सकता है, राइट, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। तो जैसे मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे हमने सेल ऑर्डर लगा के रखा हुआ है अराउंड कितना में आएंगे, तो जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट आएंगे, यहाँ पे हमें सपोर्ट मिला, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉइंग कर दिया कनेक्टिंग सपोर्ट। जैसे ये सपोर्ट 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 और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैंने सेल ऑर्डर डाल दिया, जैसे यहाँ पे सेल ऑर्डर अराउंड 3638 में मार्केट जब 3638 आएंगे ऑटोमेटिक बाय ले लेगा, राइट। सपोर्टिंग लाइन में हम बाय करेंगे, कभी भी सेल नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इसका नीचे में, थोड़ा नीचे में हम एसएल लगा देंगे, जैसे लोअर पॉइंट का आसपास हमने देखा ये लोअर पॉइंट का ये है एसएल। तो ये हो गया हमारा रिस्क, ये पॉइंट हमारा हो गया रिस्क और ये पॉइंट हो गया हमारा टारगेट। तो यहाँ पे रहेंगे आपका 1:3 तक रहेगा आपका रेशियो, ठीक है। ये हो गया ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।